राइट सो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिस्कस किया था, है ना? बोलो। चलो तो एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने अमोनिया ले लिया बेटा, अमोनिया में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आया कैसे? कि अमोनिया के केस में क्या होता है, आपके पास एक नाइट्रोजन है, वन लोन पेयर इज देयर एंड थ्री ऑफ द हाइड्रोजन इज देयर। तो जब आप इस एक्सिस के अबाउट विच इज पासिंग थ्रू द लोन पेयर, अब मैं यहाँ पे इस रेड कलर को लोन पेयर अगर एज्यूम कर लूँ, तो इसके अबाउट अगर आप ऐसे मूव कराते हो, सो आफ्टर वन डिग्री यू आर गोइंग टू गेट द आइडेंटिकल अरेंजमेंट। आफ्टर 120 डिग्री मूवमेंट यू आर गोइंग टू गेट द आइडेंटिकल अरेंजमेंट, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज। सी थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, ठीक है? दिस इज सी थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने क्यूब ले लिया है, जस्ट चेक दैट, ये क्यूब में प्रॉपर क्यूब है, दिस इज अ क्यूब। क्यूब मतलब समझते हो ना, जिसका लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल हो। मुझे बताओ, अगर मैं इसके फेस सेंटर एंड ये फेस सेंटर से एक्सिस पास करूं, तो ये कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पार्ट होगा? टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, फोर फोल्ड, फाइव फोल्ड, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? सी टू है, सी थ्री है, सी फोर है, क्या है ये? यस, फोर आएगा। दिस विल बी सी फोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर फोर फोल्ड। है ना? ओके, इसके बाद बताइए नेक्स्ट। अगर मान लो मैंने ऐसा ले लिया, ध्यान से समझना, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड मेकिंग बेसिकली अ बॉडी डायगोनल, व्हाट इज दिस? इसमें कौन सा सिमेट्री है, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? बॉडी डायगोनल कह लो। दिमाग लगाइए, बॉडी डायगोनल के अबाउट कौन सा सिमेट्री? राइट आंसर विल बी, आप ये बिल्कुल वैसे ही अरेंजमेंट हो गया सर, जैसे एक ये एक्सिस है और बाकी तीनों 90 डिग्री पे हैं एक एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ये कुछ ऐसा ही है। तो क्या आपको ये दिख नहीं रहा है क्लियर क्लियर कि ये सी थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री? बोलो भाई। तो ये सी थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट इज जस्ट लाइक दिस बाबा, ऐसे ही है बस। इन तीनों के बीच में एंगल कितना है? 90 90 90। बस इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ कर लो, और ये एक्सिस जब पास करोगे तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी समझा रहा था आपको। तो ये सी थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्लियर ना? बोलो। मैं आपको बोलूं कि एज सेंटर टू एज सेंटर पास कर दो, एज सेंटर टू एज सेंटर पास करने वाला, डायगोनली अपोजिट एज सेंटर टू एज सेंटर पास करो, तो आप इंटरेस्टिंगली देखोगे कि इसको पकड़ के आप 180 घुमाओगे तो ही ये बराबर आएगा। इसका मतलब दिस इज सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 360 नहीं, 180 घुमाने पे ना, तो 360 घुमाने पे कितनी बार आइडेंटिकल आ गया? टू टाइम्स। तो क्या आ गया इसका बेटा? सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ यू आर कंसिडरिंग द एजेस ऑफ दिस, एज सेंटर टू एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर टू डायगोनली अपोजिट एज सेंटर। क्या आ गया बेटा ये? सी, बोलो, सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। राइट सो चलो, तो ये सब नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो क्यूब में पूछता है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, काउंटिंग भी कई बार ही पूछ लेता है सिंपल। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, कितने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, प्लेन,
सेंटर एंड एक्सिस। इसके अलावा और क्या सीखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइरल सेंटर। काइरल सेंटर किसको बोलते हैं कार्तिकेय? काइरल सेंटर किसको बोलते हैं? नहीं ध्यान आ रहा बताओ क्या हो? सारे डिफरेंट ग्रुप हो, मतलब टेट्राहेड्रल सेंटर ऑफ कार्बन वेयर ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। अच्छा, फोर ग्रुप डिफरेंट होने से क्या होता है अभिषेक? चारों ग्रुप अलग होने से क्यों उसको काइरल बोलते हैं? दो सेम हो जाएंगे तो क्यों नहीं काइरल बोलेंगे? काइरल सेंटर का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिक सेंटर, ना तो उसके अराउंड कोई पीओएस होगा ना तो उसके अराउंड कोई सीओएस। यही समझाया था ना? इतना जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। पीओएस एंड सीओएस ना हो तो उसको हम काइरल सेंटर बोलते हैं। और कोई भी काइरल मॉलिक्यूल अगर है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ना तो कोई पीओएस हो ना तो कोई सीओएस हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल का एक मिरर इमेज मिलता है जिसको हम इनेंशियोमर बोलते हैं, और वो दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो सकता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब समझाया था ना? है ना? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। दो तरीके थे। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट लाइए, सॉल्यूशन बनाइए, उसमें जहां पे प्लेसमेंट वहां पे रख करके आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करके आईपीस से चेक करिए वो घुमा रहा है क्या। तो प्लेन पोलराइज लाइट को जो घुमा दे वो कैसा बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ये सुनो, ओके, सो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि थ्योरेटिकल तरीका क्या है ऑप्टिकली एक्टिव पहचानने का। क्या है थ्योरेटिकल तरीका भाई? कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें ना तो कोई पीओएस हो ना ही कोई सीओएस हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। सबको क्लियर है अब ये बात? यहां तक सबको क्लैरिटी है? चलो अब आ जाओ देखते हैं, अब आ जाओ देखते हैं। आप बताइए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एक्टिव है। अच्छा, मैंने इनेंशियोमर की कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी। क्या बताई थी बेटा बोलो? हाँ जी, एक लिवो रोटेटरी तो दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, याद आ रहा है सबको? एक लिवो तो दूसरा डेक्स्ट्रो, इसका मतलब कुछ ऐसा था कि कार्बन बना लिया और यहाँ मान लो मैंने फ्लोरीन ले लिया, यहाँ मैंने क्लोरीन ले लिया, यहाँ ब्रोमीन एंड आयोडीन ऐसा ले लिया। तो इसके इस मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, सो एसिमेट्रिक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा कि काइरल है। काइरल कोई भी है तो उसका एक मिरर इमेज ऐसा बनेगा। मिरर इमेज तो सभी का बनता है, इनके मिरर इमेज की खासियत किस क्या होती है बेटा? यस, दैट द मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसीलिए इनेंशियोमर। क्या बोल रहे हैं? इनेंशियोमर। सबको यहां तक समझ आ गया? बोलो, पीओएस सीओएस एसिमेट्रिक काइरल हो गया, इनेंशियोमर हो गया। अब चलो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनेंशियोमर्स हैव सेम बीपी बॉइलिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम रिएक्टिविटी। ये सुनो, दे ओनली डिफर इन एंगल ऑफ रोटेशन। किसका? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। सबको क्लियर हो गया यहां तक? बोलिए। अच्छा, अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, मेल्टिंग पॉइंट सेम है, रिएक्टिविटी सेम है, सिर्फ एंगल में डिफर करते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इनको सेपरेट कैसे करें? इनेंशियोमर्स को अलग कैसे करें? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप 50%, अच्छा इनमें कोई फॉर्म हो सकता है डेक्स्ट्रो हो कोई दूसरा,
50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लिवो। डेक्स्ट्रो लिवो का मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, एक 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लिवो का मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लिवो ऑफ सेम मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, नोट कर लो इसको, 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लिवो मोस्टली चांसेस सही है। कर लिया सबने? तो 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लिवो इज टर्म्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा ये बताओ, अगर आप 50% डेक्स्ट्रो ले ले रहे हो एंड 50% लिवो ले ले रहे हो, तो आपको नहीं लग रहा है ओवरऑल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी जीरो हो जाएगी? बोलो, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल किधर घुमा रहे हैं उसको, और बाकी 50% किधर घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। मिला के नेट रोटेशन क्या आ जाएगा जी? लिख लो, दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ इसको फिर सेपरेट कैसे करेंगे? आपने बताया कि भाई डेक्स्ट्रो एंड लिवो का जो कॉम्बिनेशन होता है इतना आइडेंटिकल है, तो इनको फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कहानी आपको दिख ही रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी है, तो फिर करें क्या आखिर? तो एक तरीका होता है कि एक तो देखो नेचुरल तरीका है ना, कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जो कोई स्पेसिफिक फॉर्म को खा जाएंगे, अब वो एक को खा गए तो बचा दूसरा, तो उस हिसाब से हम सेकेंड वाले को निकालेंगे, लेकिन उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, हमें तो कुछ प्रैक्टिकल मेथड चाहिए। तो प्रैक्टिकल तरीका होता है कि चूज द सुटेबल रिएजेंट, और वो रिएजेंट ऐसा होना चाहिए जो खुद में एक प्योर फॉर्म हो, खुद में एक प्योर ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हो, इधर डेक्स्ट्रो और लिवो। अब कोई एक फॉर्म लाने के लिए चलो बैक्टीरिया पर रिलाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उधर से एक फॉर्म हमें प्रोवाइड करा देगा, अब एक फॉर्म हमें मिल गया, उसका रिएक्शन करा देंगे इस मिक्सचर के साथ। तो क्या होता है कि जो डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ सुटेबिलिटी कैसे चूज करते हैं, जैसे एक मैं मॉलिक्यूल ले ले रहा हूँ है ना, ईटी, इसको बोल एल्कोहल, एल्कोहल रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप बचपन में पढ़े हुए, क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, ध्यान है? तो भाई एक मैंने ये ले लिया और इसका मिरर इमेज ले ले रहा हूं, ये इसका मिरर इमेज कौन सा हो जाएगा, ये अब ये दोनों का रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड से जो खुद में ऑप्टिकली एक्टिव हो, HDT मैंने कर लिया, और दोनों को सेम ही ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराओ, तो बेटा जब भी रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, ये अपने जगह पे फिक्स्ड है, इसमें बदलाव हो रहा है, देखो अभी ये डेक्स्ट्रो था अब क्या हो गया लिवो, तो ये दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है ज्वाइन होने के बाद, तो ये दोनों मॉलिक्यूल सब जो नए निकल के आते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाता है, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बाद में अलग कर लेते हैं, इनको डाइस्टीरियोमर बोलते हैं।
क्योंकि हैं ये भी स्टीरियो आइसोमर बट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे आइडेंटिकल है, मिरर रखोगे ये और ये सेम थोड़ी ना, मतलब मिरर इमेज थोड़ी ना, तो डाइस्टीरियोमर से। आ गया बात समझ में, तो नोट करके लिखो ये चीज, डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म आर सेपरेटेड बाई ट्रीटिंग इट विथ एन ऑप्टिकली प्योर रिएजेंट, एन ऑप्टिकली प्योर रिएजेंट एंड कन्वर्टिंग देम इंटू डाइस्टीरियोमर्स। बाई ऑप्टिकली प्योर रिएजेंट एंड कन्वर्टिंग देम इंटू डाइस्टीरियोमर। अरे बस उनमें नोट करके क्या लिखना है आपको, डाइस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डाइस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट लिख लो, तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग कर लेंगे। डाइस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है लिख लिया सबने? हाँ चलो बढ़िया, तो अब उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं अब ऐसे मॉलिक्यूल जो डबल काइरल सेंटर लिए हों। अभी तक तो हमने कैसा देखा, सिंगल काइरल सेंटर है ना, तो डबल काइरल सेंटर। अच्छा अभी एक चीज और भी है, थोड़ा प्रोजेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो अभी तक मैंने आपको न्यूमन प्रोजेक्शन बताया, सोहर्स बताया, 3D मॉलिक्यूल को 2D में विजुलाइज करना, तीसरा फ्लाइंग वेज जो कि जमाने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के टाइम से, जिसमें वही वेज डैश जिसको बोल रहे हैं ना। अब हमारा एक रिप्रेजेंटेशन बचता है जिसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। कौन सा? फिशर। स्पेलिंग बताओ भाई, फिशर। प्रोजेक्शन है ना। अब इधर इसका इक्विवेलेंट वेज डैश या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। तो देखो फिशर प्रोजेक्शन बनाते टाइम पे बोलते हैं कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये काइरल सेंटर है। मतलब ये कार्बन है, ये काइरल कार्बन, सेंटर के बजाय आप क्या कर लो इसको कार्बन। ओके दिस इज काइरल। बेटा इधर 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 ये चारों ग्रुप को मैं अलग अलग कर ले रहा हूं, तो यहां पे ले लिया मैंने मान लो CH3, काइरल है तो मुझे दिखाना है, यहां पे मान लो मैंने ले लिया ET और इधर ले लिया F, इधर ले लिया Cl। तो सर ये डायग्राम अपने आप में चलो आपने बना तो दिया है, क्योंकि प्रोजेक्शन है तो पक्का हम इसको प्लेन में तो समझ नहीं सकते, वो तो जैसा भी होगा बताना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन में अगर समझ लिया तो ये तो तरीका ही गलत है, क्योंकि फोर बॉन्ड्स बने हो तो टेट्राहेड्रल होता है, 90 डिग्री का एंगल ही नहीं। तो एज पर फिशर ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को बैक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक लाइन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको फ्रंट लाइन बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? फ्रंट लाइन। कहने का मतलब इस लाइन पे जो दोनों एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम है वो प्लेन से बाहर की तरफ निकले हुए, और किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। और ये जो बैक लाइन है इस पे प्रेजेंट एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम प्लेन के अंदर गए, इसलिए नाम क्या है? बैक। अगर मुझे इसको यहां शो करना हो इक्विवेलेंट वेज डैश में तो ऐसा हो जाएगा, बैक लाइन था।
ये फ्रंट लाइन है, ऐसा समझना। क्योंकि सर ये क्या मजाक कर दिया आपने, क्या मजाक हो गया ये, बोलो ये कैसे पॉसिबल है कि दो अंदर और दो बाहर कैसे पॉसिबल है। तो बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। देखो ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लिए हो प्लेन में। हम जब ओरिएंटेशन दिखाते हैं तो हम कैसे करते हैं, ये वर्टिकल वाले लाइन को प्लेन में ले लेते हैं और इसको प्लेन में ले लिया तो एक बाहर एक अंदर ऐसे दिखता है। लेकिन मैं बोल दूं कि भाई इसको थोड़ा टिल्ट करो ऐसे, अब इस फॉर्म में आ जाओ। तो जब आप इस फॉर्म में आ जाओगे, एक बार देखना तुम लोग टीवी पे दिखाई देगा आप लोग को, जब ये वाले फॉर्म में आओगे आप तो इमेजिन करो कि आर प्लेन इज पासिंग लाइक दिस ना, दीज टू बॉन्ड्स आर कमिंग आउटसाइड एंड दीज टू बॉन्ड्स आर इनसाइड, आई एम टेकिंग द प्लेन लाइक दिस, अंडरस्टैंड दिस, मेरा प्लेन यहां से ऐसे करके ऊपर की। So if my plane is like this, the white ball and the yellow ball is inside the plane, whereas these horizontal means red and the one which I am holding that is coming out of the plane. Did you get the clarity? तो कहने का मतलब बेटा इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है, ये सामने जो दिख रहा है आपके, ये दोनों मैं छुपा ले रहा हूं, मतलब ये प्लेन के बाहर है, प्लेन बिल्कुल ऐसे आ रही है, तो दो बाहर दो अंदर। तो याद रहेगा आप लोगों को कि जब भी इस तरह से कुछ लिखा हो तो कहानी कुछ ऐसी, इज दैट क्लियर, मेक अ नोट। अरे ऐसे ही अगर टू काइरल सेंटर्स हो, टू काइरल सेंटर्स तो भी ऐसे ही होता है, तो भी ऐसे ही होता है। यहां मान लो CH3 ले लिया, यहां ET ले लिया, यहां H ले लिया, यहां फ्लोरीन ले लिया, यहां क्लोरीन और यहां ब्रोमीन ले लिया। कर लिया? तो देखो अगर आप डबल डबल काइरल सेंटर ले ले रहे हो तो अगेन हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी लाइन है, बैक लाइन, दिस इज बैक लाइन। गलत हो गया, ये बैक नहीं है, कौन सी लाइन है, फ्रंट, हॉरिजॉन्टल इज फ्रंट। अब इसको देखो कई बार ना एग्जाम में आप भूल गए तो उल्टा हो जाएगा कहानी। तो आप खड़े जब भी होते हो तो आपका बैक तो वर्टिकल ही रहता है ना, बैकबोन वर्टिकल ही रहता है ना? तो आप वर्टिकल को बैक वहां से रिलेट करके याद रख लेना कि वर्टिकल लाइन इज बैक लाइन, ठीक है, फ्रंट फ्रंट एंड दिस इज बैक एंड दिस इज बैक and this one is in the plane, अब मैं समझा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं इसको, ये कैसा है आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। कंसिडर दिस वन गाइस, नाउ कंसिडर कि ये अलग अलग कलर के बॉल्स हैं, राइट। अभी तो मेरा सिर्फ एक ही चीज है कि फिशर प्रोजेक्शन दिखाना, भी मुझे काइरालिटी पे डिस्कस नहीं करना है। तो आप ये कैसे पॉसिबल है कि ये प्लेन में हो जाए, तो देखो ये जो पेज है ना, पकड़िए जी, लाइए इसको, हाँ
मान लो ये आपका प्लेन है, तो ये दोनों देखो फ्रंट लाइन्स है, दिख रही कौन सी, ये और ये, ऐसे ही अगर मैं सिमेट्रिकल कर लूं, यहां से प्लेन पास करूं तो ये दोनों बाहर है, ये दोनों बाहर। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखो, ये बॉन्ड हमारा प्लेन का ही पार्ट हो गया, देखो ना, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो तो प्लेन का ही पार्ट हो गया, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इन द प्लेन, इन द प्लेन गाइस, इन द प्लेन ओनली। सो इसका आप इक्विवेलेंट वेज डैश बनाइए, इक्विवेलेंट वेज डैश बनाइए, अच्छा उधर हाइड्रोजन है, ठीक, राइट साइड, ओके ओके, बारी, टेक द हाइड्रोजन विथ यू। समझ आ गया सबको, बच्चों आ गया समझ? तो ये फ्लाइंग वेज का डिस्कशन था, किसका डिस्कशन है ये, फ्लाइंग वेज, ओके गॉट इट। अब क्या करें, क्या करें, हम क्वेश्चन दे इस पे, हाँ बोलो क्वेश्चन दे, आइए देख के चेक करते हैं कि आप कैसे बनाओगे। नाउ गाइस लिसन वेरी केयरफुली, मान लो मैंने आपको ये फॉर्म दिया है, बच्चों समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, और मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं इसको आप किसमें कन्वर्ट करो, फ्यूचर में, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, फिशर में। अब फिशर में भी आप कहोगे सर ये तो बड़ा रिलेटिव डिस्कशन है, आप फिशर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो फिशर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ऊपर किसको चाह रहे हो, बैक लाइन पे, क्योंकि भाई बैक लाइन पे आपका ग्रे एंड रेड बॉल भी हो सकता है, बैक लाइन पे आपका व्हाइट एंड ग्रे भी हो सकता है, बैक लाइन पे आपका येलो एंड व्हाइट भी हो सकता है, रेड एंड येलो भी हो सकता है, ये तो आप मॉलिक्यूल को कैसे घुमाते हो इस पर डिपेंड करता है। तो कोई भी दो एटम आप उस पर ले सकते हैं, कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम है बहुत, तो इसलिए पहले जब आप बोल रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको अगर ये चाहिए कि भाई बैक लाइन पे आप ऊपर हाइड्रोजन नीचे फ्लोरीन रखना चाह रहे हो, तो आप क्वेश्चन पूछिए कि आप हॉरिजॉन्टल पे क्या रखेंगे और कहां रखेंगे। अगर आप ऊपर चाह रहे हो कि नहीं मेरा यहां पे एफ हो जाए, यहां एच हो जाए, तो इधर इधर क्या रखोगे। तो प्यारे बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, अगर मैं ऐसे आपके सामने बना दूं, ये तीन बस बना दे रहा हूं, इतना बहुत है समझाने के लिए, बी आर एंड सी एस थ्री, बहुत ही मजा आने वाला है, इसको बनाइए। फ्लाइंग वेज तो दिया है मैंने, उसको घुमा करके आपको फिशर बनाना है, चलिए कितने लोगों का हो गया ये, बनाइए। ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का विजुलाइजेशन है, यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चों का थिंकिंग एबिलिटी पता चलता है, विजुलाइजेशन एबिलिटी पता चलता है।
ऐसे मॉलिक्यूल को आप विजुलाइज कर ले रहे हो, आपका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है। टेस्टिंग है ये आपके लिए, कुछ दम नहीं है इसमें। बताऊं मैं पहला? देखो 50% चांसेस करेक्ट होने के आपके, क्योंकि एक तरफ आपको देखो ब्रोमीन और एक तरफ CH3 लगाना है। आप इधर ब्रोमीन इधर CH3 लगा लोगे, या इधर CH3 इधर BR, वो चाहिए ही नहीं क्लास में। ये 100% एक्यूरेसी चाहिए इसके अंदर, है ना। चले शुरू करें, देखा जाए। हाँ कौन से? हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, HF तो है ना। अरे बाबा, तो इसी को तो घुमा के तुम्हें रखना है, वही तो समझा रहा था मैं कि मॉलिक्यूल देखो ये है, मैं मान रहा हूं बिल्कुल कि मॉलिक्यूल यही है, बट आप किसी दो एटम को फ्रंट लाइन में रख सकते हो ना, ऐसे समझो। ऐसे समझो जैसे जैसे मैंने ये क्या दे रखा है, से फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर द स्मॉलेस्ट वन जो व्हाइट वाला है, उसको क्या मान लो आप, हाइड्रोजन। तो मैं एक बारी अलाइन करके देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, कौन सा है। तो ब्रोमीन चलो थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है, तो उससे मैं इसको ब्रोमीन ले ले रहा हूँ, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये ही हो गया, और CH3 एंड फ्लोरीन, तो यार इसको फ्लोरीन ले ले रहा हूँ और ये CH3 हो जा रहा है, येलो वाला CH3। ऐसे दिमाग में रखो, तो ये दिया क्या है, ऐसे ही तो दिया है बेसिकली, यही मॉलिक्यूल दिया है ना। आपका प्लेन यहां से पास कर रहा है, बोलो भाई। अब मैंने क्या बोला कि नहीं बेटा तुमको ना ऐसे बनाना, ऐसे जैसे ही बोल दिया बनाना है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इसका मतलब कि ऊपर हाइड्रोजन अंदर की तरफ, फ्लोरीन अंदर की तरफ दिखाओ, तो इस साइड में क्या क्या आएंगे वो बता दो। हाइड्रोजन को ऊपर रखना है, तो हाइड्रोजन को अंदर लेना है, फिर से याद करो ये कौन कौन से थे। ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है ब्रोमीन, ब्राउन होता है ना, और ये फ्लोरीन है, और ये CH3 सबसे बड़ा ग्रुप है, ये CH3 येलो। अब मैंने बोला कि बेटा इस चीज को जो आपके सामने ओरिएंटेशन ऐसे दे रखा है, इसको आप ऐसे घुमाओ कि आपको हाइड्रोजन अंदर की तरफ चला जाए, हाइड्रोजन अंदर की तरफ और फ्लोरीन अंदर की तरफ, फ्लोरीन ये था और ये, इन दोनों को मैं पकड़ूंगा ऐसे घुमा दूंगा, ये हो गया मेरा आंसर। जब मैं ऐसे यहां से प्लेन पास कर रहा हूं, तो इधर की तरफ क्या है ब्रोमीन, और इधर की तरफ क्या है CH3। दिस इज माई राइट आंसर नाउ, CH3 एंड BR। अब समझ आया हरसिमर, समझ आया क्या मैं पूछना चाह रहा था। बेसिकली आई वॉन्टेड यू टू विजुलाइज कि इसको किस तरीके से आप घुमा फिरा के रखोगे कि इस तरह का ओरिएंटेशन आ जाए। घुमाना है, तोड़ना नहीं है कोई मॉलिक्यूल। तो बेसिकली आप इसको ऐसे पकड़ लो, इसको पकड़ लो, और आपको ये ग्रुप और फ्लोरीन दोनों अंदर चाहिए, तो इसको ऐसे घुमा दो। घुमा करके यहां से जब प्लेन डालोगे तो ये दोनों बाहर हो गए और ये दोनों। नाउ दिस इज द राइट आंसर, एच इज अबव, फ्लोरीन इज बिलो, सॉरी मतलब ये इधर की तरफ ब्रोमीन और इधर की तरफ CH3 आ रहा है। तो क्या ऐसे सोचोगे आप इसके केस में, इनके केस में, सबके केस में? सोचे, जल्दी करिए, देखूं क्या करते हैं। चले किया जाए,
बोलिए बच्चों, बताइए यहाँ पे आपने क्या किया है? एफ और एच। हाँ, राइट साइड सी एस थ्री हो जाएगा, लेफ्ट साइड। सबको समझ में आ रहा है? देखो, मैं इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, इसको होल्ड कर लो ऐसे हाथ में। अब आपको फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन को अंदर लेके जाना है, तो इसको कितने लोग कह रहे हैं? देखो यहां से कैसे करते हैं, अगर मान लो आपके सामने मॉडल नहीं है, या तो आप टेट्राहेड्रल लेके जाओ साथ में, क्या दिक्कत है भाई? मना तो करेंगे नहीं, वो बॉक्स के अंदर आप ऐसे बॉन्ड्स रख लो, वहां जाके बना बना के सोच लेना ना एग्जाम में। थोड़ा टफ काम है ये, पकड़े गए तो बहुत पिटाई होगी, है ना? तो नहीं तो फिर यार अपने पेन में रख करके, लेकिन फिर भी वो टीडियस टास्क है, क्यों ना हम ऐसा कुछ मेथड डेवलप करें जिससे हो जाए। तो पहले तो फ्लोरीन को अंदर लेके जाना, तो कितने लोग कह रहे हैं इसको ना 180 डिग्री घुमा दीजिए सर यहीं से। तो जो फ्लोरीन बाहर है, क्योंकि मुझे उसको देखना अंदर की तरफ, तो 180 डिग्री आप इसको घुमा दीजिए। घुमाए, बोलो। और या दूसरा तरीका ये है कि कितने लोग ये समझ रहे हैं कि सर ये वाली लाइन पकड़ लो, इसके अबाउट 180 डिग्री घुमा दो। तो फिर क्या हो जाएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, एंड 180 डिग्री का मतलब फ्लोरीन अंदर आ गया। भाई ये बाहर था, 180 घुमाओगे तो अंदर घुस जाएगा ना, और 180 डिग्री घुमाया है तो ये इधर की तरफ था, 180 डिग्री के बाद ये इधर की तरफ हो जाएगा। 180 डिग्री घुमाया है तो ब्रोमीन बाहर की अंदर की तरफ है, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। अब इसको मैं बोलूंगा, अब तो बड़ा आसान है यार, देखो एच नीचे एफ ऊपर है, एफ अंदर वाली है। इस मॉलिक्यूल को थोड़ा, थ्री डायमेंशन, इसको थोड़ा टैप कर दो, हल्का सा, ये हल्का सा अंदर की तरफ पुश कर दो इसको। तो हल्का सा अंदर की तरफ, जैसे ही इसको पुश करोगे, ये अपने आप जो प्लेन में था वो बाहर की तरफ आ जाएगा। टेट्राहेड्रल है ना, सब जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से, इसको हल्का सा पुश करोगे बाहर की तरफ, तो बस सर बी आर एन सी एस थ्री आ गए फ्रंट लाइन पे, और ये दोनों बैक लाइन। कुछ पता चल रहा है? मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ऐसे इसको सोच के बताओ एक बारी, तब मैं मानू कि तुम्हें समझ आ रहा है। सोच के देखो, सोच के देखो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बताइए, मॉलिक्यूल यही है आपके सामने ना, आओ देखते हैं। तो देखो मेरे को ब्रोमीन कहाँ करना था भाई? ऊपर की तरफ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ बड़ी बात नहीं, और सी एस थ्री नीचे की तरफ करना है। तो मैं एक काम करता हूं ना, इस चीज को पूरा पकड़ करके इस सेंटर के अबाउट, यही एक्सिस जो है, इसके अबाउट मैं इसको ऐसा घुमाता हूं कि ये ऊपर की तरफ आ जाए। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? देखो जरा, तो अरे इसी मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दिया है यार। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे घुमा दिया है बस, कुछ नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल को पकड़ के बस ऐसे रोटेट कर दिया, सच दैट कि ये ब्रोमीन जो इधर था ऐसे से करके ऊपर आ जाए, क्योंकि मुझे उसके वर्टिकल लाइन पे लेके आना है ऊपर की तरफ। अब क्या है, इस चीज को थोड़ा सा टैप इन करो अंदर से हल्का सा। तो ये जो इस साइड की तरफ ऐसे बाहर निकला हुआ है, जैसे आप इसको अंदर करोगे ये इधर की तरफ आने लगेगा, हाइड्रोजन जो प्लेन के अंदर है वो बाहर की तरफ आने लगेगा। तो दिस साइड हाइड्रोजन एंड दिस साइड रहेगा। अच्छा, सी एस थ्री अंदर था ना? हाँ सॉरी, इधर ब्रोमीन है, इधर भी है। एक मिनट, माई बैड माई बैड। एच एन कौन दूसरा है? अच्छा, यही गलत कर दिया ना मैंने। जी 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 जी
जी, इसको अगर मैंने ऊपर घुमाया है तो इधर की तरफ ये फ्लोरीन है बाबा, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट रुको, पहले यहीं से करें, करना तो यहीं से, मॉडल से नहीं देखना है। ये मॉलिक्यूल यही था ना, इसमें तो कोई गलती नहीं है, वो तो मैंने नोटेशन गलत कर दिया, सॉरी माय बैड। मैंने क्या किया है, इस मॉलिक्यूल को यहां से पकड़ करके ऊपर घुमाया है, तो ब्रोमीन इधर आ गया। बोलो। अच्छा बेटा मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। हाँ इधर की तरफ CH3 आएगा, सॉरी इधर ऐसे। समझ आ रहा है ना क्यों? देखो ना, इसको पकड़ करके अगर आप ब्रोमीन को ऊपर करोगे तो CH3 इधर, H इधर आएगा ना, तो H इधर आया, CH3 इधर, फ्लोरीन बाहर। हाँ अब तो इजी हो गया। देखो तो अब मेरे को क्या चाहिए था भाई, CH3 अंदर, तो इसको थोड़ा टैप इन करूंगा तो ये फ्लोरीन इधर की तरफ और हाइड्रोजन उधर की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही, एब्सोल्यूटली करेक्ट, यू गाइज आर करेक्ट। इधर की तरफ क्या था भाई? थोड़ा तकलीफ तो है ना। चलो अच्छा ठीक, तो मतलब बस पड़ गया ना आइडिया कैसे क्या करना है। अब इसको घुमाते फिराते रहना, थोड़ा खेलते रहना तुम लोग, ना समझ में आया तो मैंने ट्रिक बताया, समझाया। चार पेन ले लेना अलग अलग कलर के, उनकी लेवलिंग कर लेना। चार पेन तो ले जाने में कोई नहीं बोलेगा ना एग्जाम में। स्टिकर्स भी अलाउड नहीं है तब तो, इमेजिनेशन दैट इज व्हाट यू कैन कैरी। ये सब भी काट देते धागे वगैरह, ये भगवान। शुक्र है यार यहीं रुक जाते हैं, मुझे तो लगा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहां तक क्लियर हो गया? बोलिए नाउ एवरीबॉडी, आप लोग हेडिंग डालिए RS कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, जैसे देखो ज्योमेट्रिकल सेंटर के अराउंड हम लोग क्या करते हैं, EZ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वैसे ही काइरल सेंटर के अबाउट हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? RS कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। RS कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इट इज असाइंड टू काइरल कार्बन। किसके अराउंड असाइन करते हैं बेटा? काइरल कार्बन के अराउंड इसको असाइन करते हैं, R एंड S, RS कॉन्फ़िगरेशन। RS configuration is assigned at chiral carbon. कैसे असाइन करते हैं इसको समझना है। सबसे पहले आपको using CIP, what is CIP? हाँ, using CIP rule जो हमने last classes में पढ़े हैं ना, set the priority of all four group attached to chiral center. Set the priority of all four groups attached, लिखते चलो, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, देख क्या रहे तुम लोग, attached to chiral center, सबसे पहला ये काम करना है। सेकेंड काम क्या करना है इसके बाद? priority of all four group अगर आप सेट कर लोगे तो उसके बाद अगला जो काम होगा आपको करने के लिए, दैट इज View the molecule. Along the line of
कार्बन एंड लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बट फ्रॉम अपोजिट साइड टू इट. What do I mean by that? कि अगर देखो, मान लो आपने ऐसा किया, ध्यान से समझना, फ्लोरीन, पब्लिक ध्यान दे इधर, या हाइड्रोजन, इधर की तरफ मान लो मैंने क्लोरीन कर दिया एंड इधर की तरफ ब्रोमीन कर दिया. से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन तो आपको देखना कहां है. सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेट करो, नंबर वन टू थ्री एंड फोर, ये याद है ना सबको एटॉमिक नंबर के साथ. अब ये लाइन है कार्बन एंड लोवेस्ट प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी का, इस लाइन के अलोंग देखना है बट इससे अपोजिट यहां आकर के देखना है, यहां अपनी आंखें लगा के देखना है. और उसके बाद आपको बस वन टू थ्री का ओरिएंटेशन देखना है. इफ वन टू थ्री इज इन क्लॉकवाइज सेंस, एस ई होता है, सी होता है, सेंस एस ई एन, देन इट विल बी आर कॉन्फ़िगरेशन. आर कोई बताएगा आर का मतलब क्या होता है? रेक्टस एंड सेंस्टर, आर एस. अभी उसके फुल फॉर्म का जरूरत नहीं है. एस विल बी असाइंड इफ वन टू थ्री order is in anti clockwise. जैसे अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो बताओ मुझे क्या ये आर है या एस है? तो मॉलिक्यूल को देखना कहां से है? यहां से. तो हाइड्रोजन तो उसी लाइन पे है, गया काम से, हमारे ऊपर है, ब्रोमीन बाहर निकला हुआ है. देखो यहां से देखना है, उधर से मत देखना, इधर ही आके देखना, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल भी. तो आ रहे बात समझ में? बिल्कुल उल्टा. अगर आप सिर्फ देख लो अपने देखने का एंगल, देखने का लोकेशन आप बदल लो, आंसर ठीक उल्टा आएगा. जैसे मैं समझा रहा हूं, देखो क्या है, अभी आप इमेजिन करो हमारे और आपके बीच एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक बोर्ड है एंड मैं मार्कर लेकर के उस पे मैं सर्कल बना रहा हूं. कैन यू टेल मी? आप अपनी तरफ से ही देखते हुए बताओ, आप मेरी तरफ मत आओ, जहां से आप देख रहे हो वैसे ही बताओ कैसा घूम रहे हो. एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे. और अब मेरी तरफ आकर के देखो, मेरी तरफ आने का मतलब मैं ही घूम जाता हूं, हाथ तो वैसे ही चला रहा हूं. कैसा है अभी? तो कुछ समझ आया क्या हो रहा है? तो मतलब सिर्फ आप अदर साइड ऑफ द रोटेशन हो, तो वही रोटेशन जो मुझे दिखाई दे रहा है और आपको दिखाई दे रहा, दोनों अलग अलग है. इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी तरफ आ जाओ, यहां मतलब फोर्थ ग्रुप के अपोजिट साइड आकर के. वन टू थ्री देखो, वन कहां है? बाहर है. टू कहां है? अंदर है. तो वन बाहर, टू अंदर, थ्री ऊपर. वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री. एवरीबॉडी, इट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो क्या हो गया ये? आया बात समझ में? ध्यान से समझना है. तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन है. क्या अब आप कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर लोगे? क्वेश्चन दो, रूल बस इतना सही है. फटाफट नोट करिए और शुरू करते हैं हम लोग कहानी आर एस कॉन्फ़िगरेशन. देखते हैं आप लोग क्या दिमाग लगा के बताओ.
हो गया। मॉडल यहां रखो जल्दी, बता दो इसको। प्यारे बच्चों नोट कर लिया, क्वेश्चन लिखिए असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन अबाउट गिवन काइरल सेंटर्स। किया जाए बोलिए, चलिए बताइए फटाफट। तो एफ सी एल बी आर, रुक जाओ इसमें अभी आप नहीं बता पाओगे, ठीक है इसको रहने दो। करिए असाइन करिए, कम ऑन एवरीबडी, असाइन द आर एस ऑन द गिवन सेंटर। ये फोर्थ है, फिफ्थ मैं आपको दे दे रहा हूं। बढ़िया से सोच लेना, एकदम गलत नहीं होना चाहिए।
कर लिया साइन सबने? हाँ आओ चलो देखते हैं इसमें क्या साइन किया भाई बताओ। कितने लोग का एसआर है? सबका एसआर है, बहुत बढ़िया भाई। आओ चेक करते हैं नंबरिंग। सबसे पहले वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर हमें कहां से देखना है? नीचे से। नीचे से देखेंगे तो वन इधर है, टू अंदर है, थ्री इधर है। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, कैसा आ रहा है ये? तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर? इसका क्या रखा है? ऐसे देखो, इस यहां से हमें देखना है वन कहां है बेटा? क्लोरीन बार नहीं, ब्रोमीन है वन ना, तो ब्रोमीन अंदर है, क्लोरीन बाहर है, हाइड्रोजन ऊपर, मतलब क्लोरीन ऊपर। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, मेरी तरफ से देखना है वन टू थ्री। कितने लोग का ये सही हुआ? सही था। ये बताओ वन टू थ्री, इस बारी प्लेन के अंदर घुस के देखना है क्योंकि ये बाहर आ गया ना, अंदर से देखते हैं। अंदर से देखेंगे तो वन ये रहा, टू ऊपर है, थ्री। अंदर से मैं देख रहा हूं वन इधर है, टू ऊपर है, थ्री इधर है। वन टू थ्री, वन टू थ्री, मेरी तरफ से देखो। ये क्या हो गया? सॉरी, कितने लोगों को समझ में क्लियर हुआ ये? तो ऐसे बोल रहा था, सेम है। कितने लोग का आंसर सही आया है? नहीं आया, गलत हो गया। और देखो, अच्छा एक और तरीका भी है, जब भी आपका, क्योंकि अंदर से देखना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है ना, विजुलाइज करना, देखना बेटा ब्रोमीन इधर था, क्लोरीन ऊपर था, फ्लोरीन इधर था, तो वन टू थ्री, मेरी तरफ से आके देखना अंदर। फ्लोरीन कहाँ है? अंदर ही है, अंदर मतलब इस साइड में है। सोच यहां प्लेन है मान ले, तो फ्लोरीन इधर की तरफ है और ब्रोमीन ऐसे था पूरा प्लेन में, वन ऊपर टू और ये थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, घूम तो ऐसे ही रहा है ना। तुझे कहां से देखना है? एच बाहर है तो तुझे अंदर से देखना है। क्या इंसान है भाई, मैं वही तो समझा रहा हूं। नंबर फोर के अपोजिट साइड जाकर के देखना है। तो दूसरा तरीका समझो, अभी मैंने एक चीज बताया था कि आप अगर मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, अभिषेक की बात कर रहे हैं, अगर आप बाहर से ही देखना चाह रहे हो, नहीं मन आपका इच्छा कर रहा है अंदर, तो बाहर से जो भी आंसर आएगा वो अंदर वाले का उल्टा होगा, तो उल्टा कर दो। तो बाहर से अगर देखू मैं तो वन एंड टू एंड थ्री, वन टू थ्री, तो क्या आ रहा है हमारा? एस। तो लेकिन मुझे देखना कहां से था? अंदर से। तो ये क्या हो जाएगा? आर। मुस्कान बड़ी क्लियर है? ओके, हाउ अबाउट दिस? बड़ा आसान है यार ये। एंड टू एंड थ्री, अब हमें यहीं से देखना है। वन यही था प्लेन में, टू ऊपर है एंड थ्री इधर है। वन टू थ्री, 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 वन टू थ्री। कितने लोग ये करेक्ट हुआ? चलो इस बारी कम से कम ना मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आ रहा है। नहीं क्या करो, इसी में तो मजा है। क्या है आंसर? आ रहा है,
चलो देखते हैं क्या था भाई। ऊपर की तरफ अंदर से ऊपर क्या निकाला आंसर तुम लोगों ने? देखो ये बाहर ही है फोर्थ वाला नंबर वन एंड टू एंड थ्री, हम बाहर से देख ले वन टू थ्री का और उसका उल्टा कर ले तो ये आ रहेगा आंसर। कितने लोग करेक्ट हो? अब इसको देखो, अगर आपको अंदर जा करके देखना है तो समझो अंदर गए तो नंबर वन कहाँ है? अंदर की तरफ ही आ रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ तो कुछ कहा नहीं, ऐसी हो गई। देखो सी एच थ्री यानी ये मेरी तरफ ही आ रहे हैं, देख रहे हो ये मेरी तरफ ही आ रहा है, तो भी तो मैं अंदर से जाके देख रहा हूँ ना, तो मेरे लिए तो ऐसे ही काउंट करूंगा मैं। तो नीचे क्लोरीन वन था और फिर फ्लोरीन बाहर की तरफ है वन, मुझे देखना किधर से था? ऐसे देखो हाइड्रोजन को मैं ग्रीन कर दिया हूं इस बारी ना, या ग्रे कर दे रहा हूं, चलेगा? ये दोनों बाहर थे, फ्लोरीन ये और सी एच थ्री ऊपर और क्लोरीन नीचे कर दिया, क्लोरीन को मैंने काला कर दिया, ये क्या है सी एच थ्री ग्रुप, ये क्या था फ्लोरीन था। तो दिस इज व्हाट गिवन इन द थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। प्लेन आप यहां से पास करोगे, ये दोनों बाहर ये दोनों अंदर है। अब मेरे को कहां से देखना था? ये फोर्थ है तो मुझे इधर से आके देखना है बेसिकली, बट फिर भी मैं अंदर से देख रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत चेंजेस नहीं आने वाले, ऐसे देखना था बेसिकली। तो ऐसे देखो तो क्लियर होगा, यहां से भी देखोगे तो कोई गलत नहीं आएगा। यहां से देखोगे तो कैसे, वन कौन है भाई? मेरे तरफ से आकर के देखो वन कौन है, वन हमारा नीचे था, ये रहा नीचे वन। टू कौन है? टू ये रहा। थ्री कौन है? थ्री ऊपर रहा। तो वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, कैसा आ रहा है क्लॉक वाइज सेंस, तो क्या हो गया आ। अब अगर मैं पूरा ऐसे करके घूम करके देखता तो बड़े आराम से दिखाई देता, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो देखना तो कायदे से हमें एग्जैक्ट पीछे से नहीं बल्कि इस साइड वाले में थोड़ा एंगल से देखना है, समझ रहे हो बात? हाँ, तो दिस इज हाउ वी आर सपोज। और ये सबसे आसान है, ये बाहर हो तो जो दिख रहा हो उसका उल्टा कर दो, ये अंदर हो तो जो दिख रहा हो वही आंसर कर दो। ये कितने लोग कह रहे हैं ये आपने सर फिशर प्रोजेक्शन का मिमिक्री किया है? देखो ना, वर्टिकल ग्रुप्स इनसाइड, हॉरिजॉन्टल ग्रुप आउटसाइड, इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता। फिशर प्रोजेक्शन में तुरंत तुरंत आरएस निकलता है क्योंकि उसमें ग्रुप को या तो अंदर रखता है या तो बाहर रखता है। जब फोर्थ ग्रुप अंदर रहे तो बाहर से देख के आंसर कर दो, जब वो बाहर रहे तो बाहर से देख के उल्टा आंसर कर दो। इट इज दैट सिंपल। आ गया बात समझ में? क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे तुम लोग कितना जल्दी जल्दी आंसर करते हो। ओके, लिखिए असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ द फॉलोइंग फिशर प्रोजेक्शन। Assign RS configuration in case of the following Fisher projection. जल्दी जल्दी करना है। CH3 F Cl Br H F Cl Br CO OH CH3 OH and Br। कितने लोगों को मालूम है लैक्टिक एसिड क्या होता है? कितने लोगों को मालूम है लैक्टिक एसिड क्या होता है भाई? दिस इज लैक्टिक एसिड, यही है लैक्टिक एसिड जो मैंने बनाया है अभी। दीज टू आर लैक्टिक एसिड। चलो फटाफट पहला आंसर करो, फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आ रहे ऐसे
क्यों प्यारे बच्चों, कर लिया सबने? आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला, मैं तो सिर्फ फोर्थ देखूंगा, 1 2 3 देखने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन नंबरिंग तो करना ही पड़ेगा, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। बताओ फोर कहाँ है, अंदर है या बाहर? वर्टिकल लाइन पे चीजें कहाँ होती हैं? अंदर ना, बैक लाइन है, बैक लाइन पे ये कहाँ होता है? अंदर ही होता है ना। तो फोर्थ अंदर है, तो हम बाहर से आंसर जो भी आ रहा है वही कर दूंगा मैं। 1 2 3 कैसा आ रहा है? इज द राइट आंसर। कितने लोग करेक्ट हुआ ये? सुपर 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 सुपर। नंबर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। फोर कहाँ है भाई? अंदर। वर्टिकल लाइन पे कोई भी चीज हो फिशर प्रोजेक्शन में अंदर होती। तो 1 2 3 इसका भी आंसर क्या आ गया? आइए देखिए, 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 4 वाला कहाँ है इस बारी? बाहर है। तो आंसर कैसे करूं? बाहर से देख के उल्टा कर दूं। 1 2 3 जो भी आ रहा है ये क्या है? एस। तो नहीं करना है बल्कि आर इस कर। यहां फोर्थ कहाँ है? बाहर। तो जो आंसर आया उसका उल्टा, 1 एंड 2 एंड 3, ये आंसर आ रहा है आर को नहीं करना है बल्कि एस करना है। लास्ट क्या होगा? हाँ, 1 एंड 2 एंड 3 ये कहाँ है? बाहर। जो आंसर आया उसका, तो ये क्या आ रहा है? एस नहीं करना है बल्कि आर एस करना। समझ गए? तो डबल काइरल सेंटर का भी एक कर ही लेते हैं, इतना कर लिया है तो। दिस इज द लास्ट मॉलिक्यूल फॉर यू गाइस। एक काम करता हूं, COOH, OH, H, OH, H, CO, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाँ जी, टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड के दो आइसोमर्स बना रहा हूं। ये लास्ट केस है आज के क्लास का, एंड वी आर डन। चलो बेटा, सबसे पहले ऊपर वाले की हम क्या करते हैं, अलग कलर से नंबरिंग करते हैं। नंबर 1 देखो, इस पे कार्बन है, इधर भी आया तो कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है इस पे, फिर ऑक्सीजन है, लेकिन इस पे 2 ऑक्सीजन है, इस पे एक ही ऑक्सीजन था, दूसरा कार्बन। तो नंबर 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा एंड 4 इसको। ये हो गई ऊपर वाले की नंबरिंग। कितने लोग करेक्ट हुआ? नंबरिंग सही है। तो 4 कहाँ है? बाहर है ना। तो 1 2 3 का ऑर्डर क्या आएगा? 1 2 3 का ऑर्डर क्या आ रहा है? एस। तो ये एस ना होकर के क्या होगा? आर। यानी इस जगह पे क्या होगा? ये आर। अब नीचे वाले की देख लेते हैं। देख बेटा, नंबर 1 एंड 2 एंड ये कितने लोगों को दिख रहा है कि 3 हो जाएगा, और ये कितना है? ये भी कहाँ है? बाहर। अच्छा वैसे देखो ना, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या यहाँ के अबाउट? अगर यहाँ मिरर रख दो तो एक दूसरे का मिरर इमेज, तो पक्का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया होगा। अगर आ रहा है तो ये क्या होगा? एस। क्योंकि सेम कैसे होगा? सेम हुआ तो सुपर इम्पोजिबल हो गया ना, तो ये पक्का एस आएगा। करके भी देख लेते हैं, अब तो पूरा नंबरिंग कर ही लिया है। ग्रीन ग्रीन, 1 2 3, ये क्या आ रहा है? आर। तो आर हो नहीं सकता, आर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें कहां से देखना है? बैक साइड से। हम देख कहां से रहे हैं? फ्रंट से। तो आंसर क्या आएगा? एस। तो बड़ा सिंपल सा था, मिरर लगा करके इमेज बने तो इन्वर्ट। अब बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि इसका मिरर इमेज ये तो नहीं है, तो इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन यहां निकाला था वही यहां पे होगा, आर। और नीचे वाला देखो, मिरर इमेज हो गया तो ये क्या हो जाएगा? एस था, तो अब क्या हो जाएगा? आर। बोथ आर।
समझ में आ गया? कितने लोगों को क्लियर हो गया ये बात? चलो दैट्स ऑल। तो प्यारे बच्चों, हमने आरएस निकाल लिया है। कल हम देखेंगे मल्टीपल सेंट्रिस अगर कंसिडर करें तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, मीजोफॉर्म क्या होता है, इनेंशियोमेरिक पेयर कितने बनते हैं। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द।